रूस यूक्रेन जंग में किस टैंक के हमले में रूस को नुकसान हुआ, यूक्रेन का आर्टिलरी अटैक में रूसी सैनिकों के बचने की कोशिश कहां हुई नाकाम, और अमेरिका ने रूस यूक्रेन जंग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की किस पहल का समर्थन किया है। विनाशक जंग के खबरों के लिए आपको दिखाते हैं महायुद्ध टॉप 9। रूस यूक्रेन में जारी जंग लगातार विध्वंसक हो रही है। दोनों देशों की सीमा के पास यूक्रेन के हमले का वीडियो सामने आया, जिसमें दिख रहा है कि यूक्रेनी टैंक रूसी बंकर के करीब जाकर बमबारी कर रहा है। हमले में रूस को काफी नुकसान होने की खबर है। रूसी सैनिकों के यूक्रेन की आर्टिलरी अटैक से छिपने की नाकाम कोशिश की तस्वीरें सामने आई। वीडियो में दिख रहा कि रूसी सैनिक यूक्रेन के हमले से बचने के लिए एक रैट होल में घुसते दिख रहे हैं, तभी यूक्रेन की ओर से बम बरसा दिए जाते हैं। डोनबास रीजन में हुए रूसी अटैक में तबाही की तस्वीर देखने को मिली। डोनबास में रूस ने हमला कर यूक्रेन को ब्रिटेन से मिले यूक्रेन। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यूक्रेनियन हस्की टैक्टिकल सपोर्ट व्हीकल तबाह कर दिया। तबाह टैंक देख कर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना भीषण रहा होगा। रूस यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिका ने भारत की शांति की पहल का समर्थन किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि हम यूक्रेन के लोगों के लिए भारत का समर्थन का स्वागत करते हैं और पीएम मोदी की इस बात से सहमत हैं कि आज का युग युद्ध का नहीं है। अमेरिका ने एक बार फिर यूक्रेन के लिए मदद का ऐलान किया। व्हाइट हाउस ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में मदद के लिए $3.75 बिलियन के इस नए सैन्य सहायता पैकेज का ऐलान किया है। रूस का हमला जारी होने के चलते ज्यादातर पश्चिमी देशों का समर्थन यूक्रेन को हासिल है। रूस और यूक्रेन सीज़फ़ायर तोड़ने को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि क्रिसमस पर युद्ध विराम के रूसी पालन के बावजूद यूक्रेनी फोर्सेस ने डोनबास में हमला किया है। वहीं यूक्रेन ने कहा कि रूस खुद युद्ध विराम का पालन नहीं कर रहा है। रूसी सीज़फ़ायर के ऐलान को कीव और उसके सहयोगियों ने दिखावा करार दिया और कहा कि रूसी संघर्ष विराम के ऐलान के पीछे लड़ाई को रोकने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि यह मॉस्को को फिर से संगठित होने का समय देने की एक चाल है जिससे रूस मजबूत हो सके। यूक्रेन का रूस पर बारूदी प्रहार लगातार जारी है। यूक्रेन की ओर से सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स के जरिए जबरदस्त हमले को अंजाम दिया गया, जिसमें रूस को काफी नुकसान होने की खबर है। रूसी सेना की बेलारूसी योजना पर बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक सीज़फ़ायर के बाद रूस यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है। बेलारूस में तैनात आर्मी ऑफिसर के हवाले से दावा किया गया कि 10 जनवरी तक लाखों रूसी सैनिक बेलारूस में तैनात होंगे। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।